हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाऊंगा। एक क्वार्टर रिंग जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है उसको हम निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज क्वार्टर रिंग मैंने बनाई है, और यहाँ पर हमें इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है, जो कि है लेमडा चार्ज डेंसिटी। और ये जो क्वार्टर रिंग है इसका रेडियस हम स्मॉल आर ले लेते हैं। अब देखिए एक कंटिन्यूस पूरा सा रिंग है, तो हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज़ करके ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसको हम रेफरेंस मान लेते हैं, और एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर कंसिडर करते हैं। ये छोटा सा जो एलिमेंट है इसमें अपन चार्ज मान लेते हैं डी क्यू, और इसकी जो विड्थ है वो मान लेते हैं डी एक्स के बराबर। चार्ज डी क्यू इस छोटे से रिंग में, और जो विड्थ है उसकी उसको मान लेंगे डी एक्स के बराबर। और जो रेफरेंस लाइन हमने ली है उससे थीटा एंगल पर ये लाइन मान लेते हैं, और जो डी एक्स विड्थ है वो सेंटर पे जो एंगल सस्टेन कर रही होगी वो हो जाएगा डी थीटा के बराबर। अब सबसे पहले चार्ज डेंसिटी से हम ये जो चार्ज डी क्यू है इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखिए ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो किसी भी पार्ट से अपन इसकी चार्ज डेंसिटी निकालें तो वो सेम आएगी। तो अगर इस डी क्यू चार्ज वाले पार्ट पे हम चार्ज डेंसिटी निकालें, तो लेमडा ये बराबर होगा डी क्यू बाय डी एक्स के, और यहाँ से डी क्यू की वैल्यू हमें मिलेगी लेमडा इंटू डी एक्स के बराबर। अब इस डी एक्स की भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम। कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है अच्छी तरह से कि एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ये हमें पता है। ठीक है, तो यहां पर एक छोटा सा आर्क अपन को देखने को मिल रहा है। यहां पर डी एक्स आर्क हो गया, एंगल डी थीटा हो गया, और रेडियस है आर के बराबर। सो डी थीटा इक्वल्स टू डी एक्स बाय आर, ये हमें मिलेगा, और यहां से डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी आर डी थीटा के बराबर। ये हम यहां पर पुट कर दें, सो डी क्यू ये हो जाएगा लेमडा आर डी थीटा। ये हमने डी क्यू की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। अब इस चार्ज डी क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर सेंटर पे, सेंटर को नाम दे दिया ओ, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा ये। और क्योंकि ये डी क्यू चार्ज के कारण ही निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें क्या एक डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी डी क्यू चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग। अब ये लाइन को हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करें, तो ये जो एंगल है वो हो जाएगा थीटा, और डीई के हम यहाँ पर दो कंपोनेंट ले सकते हैं। तो ये हमें एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा जो कि हो जाएगा डीई कॉस थीटा, और यहाँ पर एक वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा जो हो जाएगा डीई साइन थीटा। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके बराबर होगी, इंटीग्रल ऑफ डीई कॉस थीटा के, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी इंटीग्रल ऑफ डीई साइन थीटा के बराबर। अब ये डीई की वैल्यू हम पहले निकाल लें। सो डीई ये आएगा सिंपल सा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो यहाँ पर यूज़ करना है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किस चार्ज के कारण निकालना है, डी क्यू चार्ज के कारण, अपॉन डी क्यू चार्ज का स्पॉन्सर डिस्टेंस जो है वो है आर स्क्वायर के बराबर। ये अपन ने निकाल लिया डी ई, डी ई निकल गया। अब डी ई कॉस थीटा और डी ई साइन थीटा। देखो अब एक चीज़ और है कि जब हम यहाँ पर डी की वैल्यू पुट कर देते हैं पहले, तो हम एक काम करते हैं, पहले ये जो ई एक्स है ना ये हम पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि उससे आपको पता पड़ेगा कि लिमिट किस हिसाब से हमें पुट करनी है। सो डी की वैल्यू हम पुट कर दें जो कि है 1/4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर डी क्यू कॉस थीटा। अब डी क्यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो कि है लेमडा आर डी थीटा के बराबर, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर डी क्यू की जगह लिख दें, तो हमें मिलेगा लेमडा आर डी थीटा। डी थीटा कॉस थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो अपन थीटा के टर्म्स में कर रहे हैं, मतलब एंगल के टर्म्स में कर रहे हैं, तो
हमें यहाँ से इंटीग्रेशन करके यहाँ तक पहुँचना है, तो जो लोअर लिमिट होगी वो हो जाएगी 0, और जो अपर लिमिट है वो हो जाएगी पाई बाय 2। अब देख सकते हैं जो थीटा है 0 से स्टार्ट होएगा और मैक्सिमम ये पाई बाय 2 तक जाएगा, तो इस हिसाब से अपन ने लिमिट लिख दी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो लिमिट है वो हो जाएगी 0 टू पाई बाय 2। अब यहाँ पर जो जो कांस्टेंट है ना उसको हम बाहर निकाल देंगे। सो ई एक्स इक्वल्स टू, देखो लैम्डा कांस्टेंट है, ऊपर आर कांस्टेंट है, और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² ये कांस्टेंट, क्योंकि आर तो रेडियस है, आर तो चेंज नहीं होगा, और यहाँ पर आएगा 0 टू पाई बाई 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा को हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलता है साइन थीटा। सो यहाँ पर मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा ये बराबर होता है साइन थीटा के, और यहाँ पर एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और कॉस थीटा को इंटीग्रेट करा तो यहाँ पर हमें मिलेगा साइन थीटा, अपर लिमिट पाई बाय 2, लोअर लिमिट 0। अब लिमिट पुट करें हम, सो ई एक्स हो जाएगा लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यहाँ मिलेगा हमें साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0। अब साइन ऑफ 0 डिग्री बराबर होता है 0 के, साइन पाई बाय 2 बराबर होता है 1 के। सो ई एक्स जो है वो हमें मिलेगा लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के बराबर। ये एक्स डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। अब वाई डायरेक्शन में हमें निकालना है, तो हमें ये जो ई वाई है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ई वाई की वैल्यू भी बिल्कुल वैसे ही निकलेगी जैसे हमने ई एक्स की वैल्यू निकाली थी। यहाँ पर हमने ये जो एक्सप्रेशन था वो यहाँ पर लिख दिया, और डी की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, और जो जो कॉन्स्टेंट्स है वो बाहर निकाल दें, या अंदर बचेगा केवल इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा। और साइन थीटा को जब अपन इंटीग्रेट करते हैं तो वो होता है माइनस कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया माइनस कॉस थीटा, और लिमिट पुट कर दिया, अपर लिमिट पाई बाय 2, लोअर लिमिट 0, और लिमिट पुट करने के बाद हमें ये मिलेगा। अब कॉस पाई बाय 2 इसकी वैल्यू होती है 0, कॉस 0 इसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर माइनस ऑफ माइनस 1, तो यहाँ पर हमें प्लस 1 मिलेगा। सो जो ई वाई है वो भी हमारे पास आएगा लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के बराबर। तो ये एक्स डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, और वाई डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल ली। अब ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिल्कुल आई है सेम, जैसी एक्स डायरेक्शन में वैसी की वैसी वाई डायरेक्शन में आई है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकलनी लिखनी है, तो वो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये इतना पार्ट जो है वो रब करने जा रहा हूँ। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगी ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, और ई एक्स और ई वाई की हम वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दें। सो लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r आई कैप प्लस लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r जे कैप, ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया एट द सेंटर ऑफ दिस यूनिफॉर्मली चार्ज क्वार्टर रिंग। तो ये था पूरा डेरिवेशन, एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।